ही व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जय जय फैब गेमर्स में। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूं सभी के लिए एक और नई स्टोरी जिसका नाम है देसी की औकात। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यार गाइस कि स्टोरी बनाने के लिए आपका भाई करता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, उसके बाद भी 72% लोगों ने अनसब्सक्राइब रखा हुआ है। तो आखिर क्यों यार गाइस कि आप लोगों को मेहनत दिखाई नहीं देती यार? अगर दिखाई देती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। चल रोहन, चल आजा, अब हम फटाक से विभव को बुला के लाते हैं, उसके बाद कोई प्लान जमाएंगे। यार अभी तक नहीं आए वो दोनों, ना जाने कहाँ रह गए, कब से आ रहे हैं ऐसा बता रहे थे मेरे को, तो अभी तक नहीं आए। अरे हाँ, लगता है जैसे वो आ गए। चलो आ तो गए ये, चलो चल के इनसे मिलती हूँ। हाय विभव। क्या यार, मैं कब से वेट कर रही थी, तुम लोगों ने आने में बहुत टाइम लगा दिया। हाँ यार विभव, वो होटल के बुकिंग में थोड़ा टाइम लग गया, पर तू फिकर मत कर, होटल बुक हो गया। चल अब अपन चलते हैं। हाँ यार रोहन, वो सब तो ठीक है, पर जो होटल है ना वो एकदम देहाती एरिया में यार, और तूने पता है ना मुझे देहातियों के बीच में रहना बिल्कुल नहीं पसंद, मैं देसी गवारों के बीच में नहीं रह सकती यार। हाँ यार विभव, देहाती एरिया में रहना तो हमें भी नहीं पसंद है, पर अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है ना। इस वीकेंड पूरे बरमूडा का पूरा होटल पूरा पैक है, तो हमें कहीं और तो रूम नहीं मिल सकता, अब यहीं मिल रहा है, चलना है तो फिर चलो यार, और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ यार बात तो तेरी एकदम सही है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। चलो ठीक है फिर, वहीं चलते हैं, और क्या कर सकते हैं, चलो। हाँ तो फिर ठीक है, चलो बैठ जाओ गाड़ी पर, अब चलते हैं अपन उस रेस्टोरेंट, इस वीकेंड अपन लोग खूब मस्ती करेंगे, चलो। हाँ ठीक है रोहन, चलो चलते हैं। आज तो मौसम घना अच्छा लग रहा है, आज हमारी फसलों को घनी तेज धूप मिलने वाली है। और राम, फसलों की कटाई में और कितने दिन बाकी हैं? बस कुछ दिन और कबीर भैया, फिर सारी फसलें तैयार हो जाएंगी। चल ठीक है फिर, और किसी चीज़ की जरूरत तो ना है ना खेत में? अभी तो किसी चीज़ की जरूरत ना है कबीर भैया, पर जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। अरे राम जरा ठीक से बता दे, किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है खेत में? भैया 2-4 दिन में हमारे फसल तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हमें फसलों की कटाई के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और ट्रैक्टर हमारा खराब पड़ा हुआ है, तो आप जाके ट्रैक्टर बनवा दिए दो। चल ठीक है फिर राम, तुम लोग जाके काम पर ध्यान दो, मैं जाके ट्रैक्टर देख लिए लेता हूँ कि समस्या क्या है हमारी ट्रैक्टर में। यार रोहन, और कितनी दूर है यार होटल? यार विभा, जहाँ तक मुझे याद है होटल तो इतने दूर में हम लोग पहुँच जाना चाहिए था, बट पता नहीं यार, शायद मैं भूल गया। अरे हाँ, वो देखो खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं, चलो हम उनसे चल के पूछ लेते हैं। सिट यार, तुम एकदम बुलक करो, अब हमको खेत जाना होगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, उन देसी गवारों से ही पूछ लेते हैं कि होटल है तो है कहाँ। देखने में तुम्हारी ट्रैक्टर एकदम ठीक लग रही है, मेरे को लगता है इसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगा। कबीर भैया जरा आगे देखो। क्या हो गया? अरे ये कौन है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता कबीर भैया, देखने से तो शहरी चूजे लग रहे हैं। बात तो तुम्हारी एकदम सही है राम, पर एक बात मारे को समझ नहीं आ रहा, ये हमारे खेत पे क्यों आ रहे हैं? अरे वो देसी गंवारो, जरा हमारी बात सुनो। क्या हो गया मैडम, जो हमको देसी गंवार कह रही हो? लगता है थारे को शहरी हवा ज्यादा लग गई है। यो ब्लेडी देसी गंवार, जवान संभाल के बात करो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारी। देखो मैडम, एक तो तुम हमारे खत्तों में घुस गए, अलग से हमारे साथ बदतमीजी से बात भी कर रहे हो, उसके बाद धमकी वाली बात हमारे पास ना करना, कहीं माता फिरक गया ना तो मुँह कान तोड़ दूंगा। लेकिन बात यह हो गई कि तुम मुझ छोरी, इसलिए मैं खुद के ऊपर काबू कर रहा हूँ। तो मैडम जो काम है ना वो सीधे सीधे से बोलो, वरना निकलो अपने रास्ते, बेमतलब में उलझाओ मत मारे को। यार विभा तू थोड़ा चुप रहे, और यार भाई तुम जरा हमें ये बता दो कि यहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ पर है? अब यार मारे को ये समझ ना आ रहा कि तुम लोग पढ़े लिखे भी हो कि ना हो, उतना बड़ा पीछे तुम्हारे बिल्डिंग खड़ा है वो तुमको दिखाई ना दे रहा का? वही ना है रेस्टोरेंट। क्या बोला, हमारे पीछे रेस्टोरेंट है? रुक अभी देखती हूँ। अरे हाँ यार सच में रेस्टोरेंट है यहाँ तो। अब थारे को रेस्टोरेंट का पता चल गया ना मैडम, तो अपने दोस्तों को पकड़ो और रास्ता नापो अपने यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे, बोलने की जरूरत नहीं है, रुकना भी कौन चाहता है तुम देसी गवारों के बीच में,
कितना गंदा सा खेत है और गंदे हो तुम जैसे लोगों के बीच में रुक रहे हो, कोई शौक नहीं है मेरे को। चलो चलते अपन लोग यहाँ से, इनके बीच में रहेंगे तो हम भी देसी गंवार हो जाएंगे। हाँ ठीक है, चल निकल अब। चलो यार अपन लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ यार चल। अरे का कबीर भाई, आपने तो उन लोगों को ऐसे ही जान दे दिया। अरे ना राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, जान दे उनको, वैसे भी वो मारे को जानते थोड़ी ना है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। ना जाने में अगर कोई कुछ बोल देता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम हर किसी का जवाब देते रहें। तो छोड़ो वो सब और तुम अपना काम पे ध्यान दो, तब तक मैं इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। यार रोहन, कल का पूरा दिन तो उस देसी ने टेंशन दिला के खराब कर दिया, चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। हाँ यार विभा, बात तो तुम्हारी एकदम सही है, चलो अपन कहीं आसपास से घूम कर आते हैं, मजा आएगा। हाँ यार रोहन, पर आज अपन लोग कहीं गाड़ी पे नहीं चलेंगे यार, आज से ही पैदल घूम कर आते हैं, चलो आ जाओ मेरे साथ। हाँ ठीक है विभा, चलो अपन भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो जल्दी आ जाओ, मैंने सुना है कि सिप्यार बहुत खूबसूरत जगह है, चलो सिप्यार घूम के आते हैं, मजा आएगा। अरे छमिया, अकेले कहाँ जा रही है, हमारे पास आ जा, और भी ज्यादा मजा आएगा। क्या क्या बोला तुमने, देहाती कहीं के ज्यादा बात करते हो। अरे ओ छमिया, इसमें ज्यादा बात क्या हुई, तू हमको पसंद आ गई है रे, और अब तू हमको पसंद आ गई तो हम तेरे को छोड़ कैसे देंगे, हमको तू चाहिए रे, चल हमारे साथ। अबे ओए, लड़की को अकेले समझता है क्या, ज्यादा बात कर रहा है बेटा, यहीं यहीं मारेंगे तुम लोग को, क्या समझ के रखे हो बे तुम लोग। हाँ अच्छा, वैसे कर क्या लोगे बच्चे तुम लोग हमारा, बेटा चुपचाप यहाँ से निकलो, लड़की हमको पसंद आ गई है, इसको छोड़ो और तुम लोग निकलो यहाँ से। क्या तुम लोगों ने हमको बच्चा कहा, रुको अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ये ले खा। क्या तूने मुझ पर हाथ उठाया, ये ले। आ भाई, इसकी बंदूक तो असली है, भाग भाग विवाह, तू भी भाग। अरे वो लड़की रुक जा, वरना गोली मार देंगे तेरे को। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना। नहीं रे, हम लोग तेरे को नहीं मारेंगे, तू तो हमको पसंद आ गई है, तेरे को कैसे मार सकते हैं हम लोग तो बस तेरे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, चुपचाप चल हमारे साथ, वरना तेरी खैर नहीं बेटा, यहीं गोली मार देंगे हम लोग तेरे को। नहीं प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मैं यहाँ की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो ले लो मुझसे, मैं आप लोगों को बहुत सारे पैसे दूंगी, पर मुझे जाने दो। अबे ओ हिजड़ो, क्यों परेशान कर रहे हो बस लड़की को। अबे ओए, तू कौन है बे, ज्यादा गर्मी आ रही है क्या तेरे को, बंदूक देख रहा ना बेटा, यहीं कहीं ठोकेंगे तेरे को, समझ गया, चल निकल यहाँ से। बातें तो घनी बड़ी बड़ी है बे तुम्हारी, बेटा बंदूक पकड़ ले तो आके खुद को शेर समझ रहे हो, बंदूक रखने से कुत्ता शेर न बन जाता, और बंदूक चलाने के लिए ना बेटा जिगरा चाहिए, जिगरा जो तुम दोनों के पास, तुम्हारे को थारा भी दिखाई ना दे रहा। अबे ओए, तू जो कोई भी है चुपचाप चले जा यहाँ से, वरना आज तो तू मरेगा हमारे हाथों। बहुत बढ़िया, पर हमारे ख्याल से हमारे को मारने से पहले थारे को हमारा नाम तो पता होना चाहिए ना। हाँ बता क्या नाम है बे तेरा, उसके बाद मारेंगे हम तेरे को। पूरी उम्मीद है हमारे को, तुम लोगों ने कबीर का नाम तो सुना ही होगा। क्या आप कबीर ठाकुर हैं? नहीं मैं तारा फूफा हूँ बे। अबे भाग भाग, जहाँ से मार डालेगा साला हमको, चल जल्दी भाग यहाँ से। और सुनो बे, दोबारा मारे को दिखाई मत देना यहाँ आसपास। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, अगर आप नहीं आते तो ना जाने लोग मेरा क्या करते। चल कोई ना, ये तो मेरा फर्ज था, और ऐसे लोगों सावधान रहा कर, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, वैसे एक बार फिर से थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। सेठ यार, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, जिन दोस्तों पे मैंने इतना भरोसा किया वो मुझे मुसीबत के टाइम पर छोड़ के चले गए, और जिनका मैंने कल इतना मजाक उड़ाया था उन्होंने ही मेरे हेल्प कर दिया। नहीं, मुझे अभी के अभी चलना चाहिए और कल के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए, मैंने कल उनसे बहुत बदतमीजी से बात की थी फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। अरे हाँ, वो सामने वाला खेत उनका है, चलो अभी के अभी चलती हूँ और उनसे कल के लिए माफी मांग लेती हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो मुझे माफ कर देंगे। अरे ये क्या, आज तो वो खेत में दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मैं इन लोग से ही पूछ लेती हूँ उनके बारे में। अरे ओ मैडम, आप यहाँ फिर क्यों आई हो, कल आपने बहुत बेइज्जती किया था ना हमारा, अब चुपचाप चले जाओ आप यहाँ से। सॉरी यार, पर प्लीज मुझे कल के लिए माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे आप यहाँ दोबारा क्यों आई हैं, आपको तो देसी कमारों से बहुत नफरत है ना, तो फिर आप इस खेत में क्यों आई हैं? हाँ दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारे तीसरे पार्टनर से मिलना था। पार्टनर, पर कौन? अरे वही जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है ना, उससे। पर खेत में तो सिर्फ हम दोनों ही काम करते हैं। अरे नहीं, पर कल तुम्हारे साथ एक और आदमी भी था ना खेत में।
ओह तो अब समझा, आप कबीर भैया की बात कर रहे हो। हाँ वही, कहाँ है वो? वो घर पर हैं, वो यहाँ काम नहीं करते, वो मालिक है हमारे, वो तो बस कल धान देखने आए थे, लगता है आपने उन्हें हमारे जैसा नौकर समझ लिया। ओह तो इसका मतलब वो यहाँ के मजदूर नहीं, यहाँ के मालिक है, है ना? हाँ वो यहाँ के मालिक है। ठीक है, बताने के लिए थैंक यू। हाँ ठीक है, अब मैं उनसे कैसे मिलूंगी? अच्छा हाँ, मैं इन्हीं लोग से पूछ लेती हूँ उनका पता। भैया जरा सुनिए। हाँ कहिए ना, क्या मदद करूँ मैं आपकी? वो दरअसल मुझे उनसे मिलना था, क्या आप मुझे उनका पता बता देंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, वो पीछे वाला जो एल्जब का घर है ना भैया, वहीं मिलेंगे आपको। ओके थैंक यू। चलो अब मैं चल के उनसे कल के लिए माफी मांग लेती हूँ। घर पर कोई है क्या? अरे ऐसा लगता है जैसे कोई आया है, पता नहीं अभी कौन आया होगा, चलो चलकर देख लेता हूँ। अरे तुम क्यों आई हो यहाँ? चलो कोई ना, अंदर आ जाओ। हाँ तो आप बोलो, कैसे आना हुआ एक देसी के घर में, थारे को तो देसी लोग पसंद नहीं है ना। प्लीज मुझे कल के लिए माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैडम, मैं थारे से नाराज ना हूँ, अगर मैं थारे से नाराज होता तो तू यहाँ ना होती। इसका मतलब तुमने कल की बातों को भुला के मुझे माफ कर दिया ना? देखो मैडम, जिन बातों को याद रख के कोई फायदा ना हो ना, उन बातों को भुला देना ही अच्छा है, तो मैंने आपकी पूरी बातें भुला दी और माफी ना मांगो मारे से, मैंने आपको माफ कर दिया है। थैंक यू सो मच कबीर, और कबीर आई लव यू, क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे कबीर? अरे ना मैडम, मारे को माफ कर दो, मैं देसी हूँ, गवार नहीं जो थारे प्यार में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करके जिंदगी भर जोरू का गुलाम बन के घूमूं। कबीर प्लीज ऐसा मत बोलो, आई लव यू यार। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, पर मारे को माफ कर दो, क्योंकि मैं हूँ एक देसी आदमी और मैं अपनी माटी से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं थारी ऐसी लड़की को अपने जिंदगी में जगह दे नहीं सकता। कबीर प्लीज यार, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। अरे ना मैडम, आप अपना प्लीज अपने पास रखो, मारा पीछा छोड़ो और आप अपने रास्ते निकलो, मारे को मजबूर ना करो आपको जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए, तो आप चुपचाप निकल जाओ मैडम यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। चल बहुत बढ़िया, जो ये चले गई, जान छोटी मारी, वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है लड़की का चक्कर मौत से टक्कर, तो बच गया भैया हम तो। सो गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस हम इसका पार्ट टू भी लाएंगे, जिसमें विभा कबीर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत से तरीके आजमाएगी और वो वीडियो बहुत मस्ती से भरी होगी। सो गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।